अरे कृष्णा बच्चों, तो ये वीडियो बहुत ही जरूरी, इसके अंदर एक बहुत ही शानदार सवाल है, ध्यान से देखते हुए करेंगे इसको। इसमें बेसिकली देखो पूछा क्या गया है कि एक पॉइंट चार्ज क्यू इज कैप्ट एट अ डिस्टेंस है लिए रेखा फ्रॉम अ न्यूट्रल स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ठीक है, न्यूट्रल है ये, लेकिन कैसा है? सॉलिड कंडक्टिंग है। सॉलिड कंडक्टिंग का क्या मतलब हुआ बच्चों? सॉलिड कंडक्टिंग का ये मतलब हुआ कि इसके अंदर जैसे हम लोग यहाँ पे चार्ज रखेंगे तो इसके अंदर क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो चार्जेस है जो इसमें इंड्यूस्ड हुए हैं ये मिलके और इस क्यू के इफेक्ट को क्या कर देंगे? अपोज कर देंगे। आपसे पूछा कि फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी एट पी। यहाँ पे पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना। अभी ध्यान से देखो, बहुत सिंपल एक लाइन का सवाल है वैसे तो, लेकिन कंसेप्चुअल है। बच्चों आपको पता है, इससे पिछली वीडियो में, जस्ट मैंने इससे पिछली वीडियो में लास्ट स्टेटमेंट ये बोली थी कि कभी भी अगर एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहती है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मतलब कि जहां पे भी फील्ड इज जीरो इम्प्लाइज वी क्या रहेगा? वहां पे कॉन्स्टेंट। तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं सर इसके पूरी के अंदर हर जगह पे वी क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो हम इसमें बेसिकली हम ऐसे ही एक जगह ढूंढेंगे जहां पे कि हम आसानी से कैलकुलेट कर सके पोटेंशियल। ठीक है, जैसे कि देखो बच्चों, अगर मैं इस पॉइंट पी की बात करता तो इस क्यू के कारण मैं यहां पे लिख सकता हूं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लेकिन दिक्कत किन की है? इन इंड्यूस चार्जेस की। क्यों? क्योंकि ये इंड्यूस चार्ज तो सरफेस के ऊपर है और जो पॉइंट पी है ये सिमेट्रिक तो है नहीं सरफेस के रिलेटिव। जब ये सरफेस के रिलेटिव सिमेट्रिक नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा? आप इनके कारण फील्ड या इनके कारण पोटेंशियल डायरेक्टली नहीं लिख सकते हो। समझ में आया भाई? तो हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जहां पे इनके कारण हम लिख सके। वो पॉइंट है बच्चों सी। सी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो सेंटर है। सेंटर है तो क्या हो गया कि सारे इंड्यूस चार्जेस तो ऑब्वियस सी बात है सरफेस पे ही रहते हैं। और हमने पिछली वीडियो में चीज सीखी थी कि इंड्यूस चार्जेस की नेट वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे पहले न्यूट्रल था, तो भाई इंडक्शन बच्चों कभी भी पूरे स्फीयर को चार्ज नहीं देगा। तो जो ये जितने नेगेटिव चार्ज रहेंगे उतने ये पॉजिटिव चार्ज रहेंगे, मींस इन दोनों का नेट समेशन मिला के यहाँ पे सी पे इन सब के कारण से नेट पोटेंशियल सी पे इन इंड्यूस चार्जेस के कारण से अगर मैं सी पे पोटेंशियल देखूं तो कितना आ जाएगा? जीरो। क्यों आ रहा है भाई जीरो? क्यों? क्योंकि ये देखो, ये चार्ज अगर मान लो प्लस क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री प्लस क्यू फोर ये रहते हैं, सब कितनी दूरी से हो गए? सी से आर दूरी पे हो गए। तो हम क्या कहते हैं? के क्यू वन बाय आर प्लस के क्यू टू बाय आर प्लस के क्यू थ्री बाय आर प्लस के क्यू बाय फोर। अभी सिमिलरली इस तरफ का लिखने लगते क्यू फोर क्यू फाइव क्यू सिक्स ऐसे। लेकिन ये तो थे पॉजिटिव, ये थे नेगेटिव, तो उन सब के कारण मिलके हर एक में क्या हो जाता? के बाय आर तो आ जाता कॉमन, अंदर आ जाता क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री। और अगर हम ये देखते तो ये नेट मिलके कितना हो जाते? जीरो हो जाते। ठीक, तो इसका मतलब कि इस जगह पे पोटेंशियल दो कारण से लिखेंगे। पोटेंशियल एट सी कैन बी रिटर्न एज पोटेंशियल बिकॉज ऑफ स्मॉल क्यू प्लस पोटेंशियल बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड चार्जेस। ठीक, अभी हम क्या कहेंगे सर? ये तो कितना हो गया? यहाँ पे हो गए जीरो। और ये कितना हो गया? ये हो गया अपना के क्यू बाय एल। तो पोटेंशियल एट पॉइंट सी कितना हो गया? के क्यू बाय एल। ठीक है भाई, अभी हम क्या कहेंगे कि सर यहाँ पे जैसे हम लोगों ने लिखा तो ये आ गया अपना के क्यू बाय एल। ठीक, इस सॉल्यूशन को मत देखना बच्चों, इस सॉल्यूशन के अंदर एक एक्स्ट्रा चार्ज लिया गया है ये, ठीक है, जिसका वैल्यू यहां पे हम लोगों ने कंसीडर नहीं किया है। इस चार्ज क्यू का वैल्यू हम लोगों ने कंसीडर नहीं किया है। इस चार्ज क्यू को हटा दो, जीरो मान लो। ठीक है, इसका जीरो कर दो इफेक्ट सब जगह से। क्यों? क्योंकि उसको मैंने क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखा था। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि सर देखो, जो ये कैपिटल क्यू है ये नहीं है यहाँ पे, जीरो है इसकी वैल्यू। तो हम सिंपल सा क्या कहेंगे, जो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ बस आप उसको देखो, उस तरफ देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हटाओ इसको। तभी हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि सर ये हो गया वी सी हो गया के क्यू बाय एल। ठीक, तो इस जगह का पोटेंशियल हमें पता चला, इस जगह का पोटेंशियल पता चला, तो यही पोटेंशियल किसका भी हो जाएगा? पॉइंट पी का भी हो जाएगा। ठीक,
अभी इसमें एक और चीज पूछी जा सकती है जो बहुत ही शानदार है। क्या चीज पूछी जा सकती है कि ये बताओ कि इन इंड्यूस चार्जेस के कारण पी पे कितना पोटेंशियल है। समझ में आया भाई? तो पी पे हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सर पोटेंशियल ऑफ पी हम लोगों को पता चल चुका है कितना आया है, के स्मॉल क्यू बाय एल, जो किस किस के कारण रहेगा। फिर पोटेंशियल बिकॉज ऑफ स्मॉल क्यू प्लस पोटेंशियल बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड, ठीक। तभी हम क्या कहेंगे सर पोटेंशियल बिकॉज ऑफ स्मॉल क्यू कितना हो गया, के क्यू बाय एक्स। तो पोटेंशियल बिकॉज ऑफ इंड्यूस चार्जेस कितना बच जाएगा, इसको इस तरफ ले आते हैं तो ये कितना हो गया, के क्यू बाय एल माइनस के क्यू बाय एक्स, ठीक है भाई। तो ये आ गया पोटेंशियल बिकॉज ऑफ इंड्यूस चार्जेस एट पॉइंट पी, ठीक। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इस सॉल्यूशन को मत देखना बच्चों, बस इसमें जो मैंने समझाया उसी से ही करना, बहुत अच्छा। ओके, थैंक यू।